मित्रों नमस्कार, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद। साथियों आज मैं खड़ा हूँ यहाँ इस्कॉन मंदिर की कैंटीन में, किचन में। एक तरीके से बोलूँ तो ये भगवान की रसोई है, प्रभु की रसोई है। ये मेरा ही सुझाव था प्रशासन को, क्योंकि 2005-06 में इस किचन का उद्घाटन माननीय श्रीमती आशा उद्या जी DC फरीदाबाद जी गोमा जी ने किया था, और इससे शुद्ध सात्विक भोजन कहीं पर भी नहीं मिल सकता। ये भोजन नहीं है, इसे मैं प्रभु का प्रसाद बोलूँगा। बिना प्याज लहसुन के यहाँ खाना बनता है। मैंने इस समय ग्लव्स नहीं पहने, सर नहीं ढका, आने भी नहीं देते हैं बगैर इस चीज़ के, क्योंकि इस समय यहाँ इनकी सफाई चल रही है, फर्श गीला है, बाकी सब लोग लगे पड़े हैं। और यहाँ से और टीम पंडित जी के सहयोग से ये डेली खिचड़ी बनती है। इस खिचड़ी के बारे में मैंने DC साहब को भी बताया था, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी कि भाई हमारा ध्येय हमारे इलाके में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, और खिचड़ी ऐसी चीज है जो पौष्टिक भी है, पेट भी भरेगी और शरीर खराब भी नहीं करेगी। और इसके साथ साथ मैं एक विनती और करना चाहता हूँ कि हो सकता है लॉकडाउन का पीरियड और आगे बढ़ जाए, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। हमारा जिला रेड जोन में साधनों की कमी भी है। भाइयों मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जिसके पास है वो हाथ जोड़ के मना कर देना कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप किसी दूसरे भाई को दे दो, क्योंकि टीम पंडित जी के जितने भंडारे चल रहे हैं, हो सकता है 14 के बाद एक आध व्यक्ति का भंडारा कम हो जाए। और जितने व्यक्तियों को आज हम भोजन खिला रहे हैं, तकरीबन 20-22 हज़ार आदमियों तक पका हुआ खाना टीम पंडित जी, शासन प्रशासन, शिव मंदिर बड़ा गुरुद्वारा, विपिन गुप्ता जी, पंकज शर्मा जी, राहुल भारद्वाज जी, रोहन सिंह जी, राजू जी, शिवराज लोहिया जी, बबलू कौशिक जी, उसके बाद सुधीर शर्मा जी, उसके बाद हमारी गली में भी पीछे पंकज बालियान जी, भाई अनीश पाल जी, कृष्ण डागर जी, सीताराम डागर जी, भाई जगन डागर जी, विभिन्न वार्ड के पार्षद प्रशासन के साथ मिलके, वार्ड सेक्टर इंचार्ज मिलके, तकरीबन 22-23 हज़ार आदमियों का पका हुआ भोजन NIT 86 में आ रहा है। तो भाई इसे प्रभु का प्रसाद समझे, इसका अनादर ना करें। और इसका एक फायदा और है, जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे मन, खाओ मन भर, छोड़ो मत कण भर। यही मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा, इस भोजन प्रसाद को प्यार से लें, और भाई जिसके पास है वो हाथ जोड़ के मना कर दे कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमारे घर में अन्न है, हम अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। यही मेरी आप सबसे विनती है, गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद।